नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कोडा और मारुति व्हीकल लीड्स का ऑफिस है। इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो मेन रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट अपने आप में बड़ा ही कमाल का ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल गाड़ी को एक बड़ा ट्रॉला जो है उससे गाड़ी जो है वो टकराई हुई। पहली नज़र में आपको देखने को लग रहा है कि गाड़ी इधर से आ रही थी और ट्रॉला इधर से आ रहा था और आपको ये गाड़ी जो है ट्राले के साथ टक्कर लगी है, हिट हुई है। लेकिन असली वजह इसकी क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। ये यहाँ पर जो व्हीकल ईट की पार्किंग है, पार्किंग के पास में बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पार्क की गई थी और वहाँ पर जब ये गाड़ी पार्क की गई थी तो ना तो इसमें गेयर लगा हुआ था, मतलब जो न्यूट्रल पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी, और उसके साथ साथ में हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया गया था, ऐसा जानकारी जो है वो हमें मिल रही है। और उसके बाद जब ये ट्राला यहाँ से गुजर रहा था तभी ठीक सामने गाड़ी उस पार्किंग से अपने आप रिड़कती हुई चलती हुई इस ट्रक के साथ टकराई है और यहाँ पर हादसा ग्रस्त हो गई है। गाड़ी इस वक्त आप देखेंगे तो बुरी तरह से जो है ट्रक के बीच में फंसी हुई है। फिलहाल इसको निकालने के लिए जद्दोजहद वो की जा रही है, लेकिन अपने आप में एक अनोखा एक्सीडेंट है। हालांकि किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ी जो है वो बुरी तरह से यहाँ पर हिट हुई है और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ी जो है इस पार्किंग के अंदर जो ये सड़क है, सड़क पर पार्क की गई थी और वहीं से सीधे गाड़ी यहाँ पर आई है और हिट हुई है। हालांकि बहुत बड़ा बचाव जो है वो होते होते बचाव हुआ है और हादसा होते होते बच गया, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो गाड़ी को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम गाड़ी को दिखाएंगे तो गाड़ी की जो साइड है वो डैमेज हुई है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी देखेंगे तो साइड जो है वो डैमेज हुई है, लेकिन और किसी तरह का जानमाल के नुकसान की जो है वो सूचना फिलहाल नहीं मिल पा रही है। और अगर इसमें कोई बैठा होता तो निश्चित रूप में उसे नुकसान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इलीगल तौर पर जो पार्किंग की जाती है उसी पार्किंग का कहीं ना कहीं ये नतीजा जो है वो यहाँ पर नतीजा जो है वो ये सामने नज़र आ रहा है। कुछ एक लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हादसे के बाद जब ये हाईवे के ऊपर जो है इस समय काफ़ी लंबा जाम जो है वो लग गया है, और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी। सर हुआ क्या था इसमें? मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं सर, कुछ जानकारी तो ली होगी ना? अभी मैं लेने लगा हूं, लेके जनाब को बता देता हूं सब पूरा। किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है। तो गाड़ी खड़ी थी यहां पे? मैं सर अभी जस्ट पहुंचा चुका हूं, जानकारी नहीं है, अभी ये पहुंची है। सर क्या हुआ है? सर आप ले लो किसी और का इंटरव्यू ले लो, मैं थोड़ा जस्ट खाली जानकारी तो होगी ना, आपके पास जानकारी तो होगी ना कि क्या हुआ है? सर बात ऐसी है कि ये गाड़ी उधर से पीछे से आ रही थी, ये ट्रक पीछे से आ रहा था और इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, इस गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं। गाड़ी सर साइड पार्किंग में थी जहाँ पे आम गाड़ियाँ लगी रोड पे। हाँ सर, रोड पे पार्क हुई थी। हाँ जी सर। अच्छा, तो ये गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है, ना गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी और ना गाड़ी का गियर लगा हुआ है, ये गाड़ी अपने आप ही बीच में आ गई है। अच्छा, ये बड़ा समझो जो बड़ा हादसा होने से बच गया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई बच्चा नहीं आया इस गाड़ी के नीचे, और ये ट्रक वाले ने बहुत मुश्किल से गाड़ी बचाई है इसकी, और जिसकी ये गाड़ी है वो आगे से थड़े दे रहा है कि मेरी गाड़ी को हाथ लगा के बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किसकी गाड़ी है वो। ये सर अभी पता नहीं है, नंबर है मगर ये मालूम नहीं है किसकी गाड़ी है। तो ये अभी 10 मिनट पहले की बात है सर, एटलीस्ट आधा घंटा होगा। इसी वजह से ये जाम जो है? यस सर, यस। आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी जो है ये सामने रोड पर पार्क की गई थी, और जिस वक्त ये गाड़ी वहाँ पर पार्क थी अपने आप बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो गई और सीधे टकराई है इस ट्रॉले के साथ। निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होते होते बचा है, क्योंकि अगर इस ये गाड़ी जो है किसी स्कूटी के साथ टकरा जाती या फिर किसी और गाड़ी के साथ टकरा जाती जो उसमें कुछ गाड़ी में जो लोग बैठे होते तो निश्चित रूप में यहाँ पर हादसा हो सकता है। इसमें आप देखेंगे पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब इस गाड़ी को जो है फिलहाल सीज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रॉन्ग पार्किंग में इसको खड़ा किया गया था और कोशिश की जा रही है। तो गाड़ी आपकी है सर? सैनिक लोनी? नहीं नहीं। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है इस गाड़ी का मालिक, लेकिन फिलहाल पुलिस एक तरफ जहाँ इस गाड़ी को निकाल कर ले गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो है जाम जो लगा हुआ है उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा है। रमन सैनी, जम्मू लद्दाख विजन।